wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एनालाइजर बॉयज पर। शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, सो लेट्स गो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें ताकि आप देख पाएं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। 10th नंबर पे जो लैपटॉप हमारे पास है वो है Asus ZenBook 14 UX433FA-A6-1060। ये 69,294 के आसपास का पड़ता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 8th जनरेशन, रैम 8GB, रोम 512GB। ये एक 14-inch स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अंदर इंटेल इंटीग्रेटेड UHD 620 का ग्राफिक कार्ड भी है। 9th नंबर पे जो हमारी लिस्ट पर आता है वो है HP Pavilion 15 CC132TX। इसकी प्राइस रेंज 69,499 है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 8th जनरेशन, रैम 8GB, और इसकी खास बात दोस्तों, ये 2TB के रोम के साथ आता है। इसमें एक 15.6 इंच की स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce 940MX 4GB का दिया हुआ है। 8th नंबर पर जो हमारी लिस्ट पर आता है वो है Dell Inspiron का 15 7570। इसकी प्राइस रेंज 72,990 के आसपास है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 8th जनरेशन, स्क्रीन साइज 15.6 इंच, रैम 8GB, रोम 1TB HDD प्लस 128GB SSD। इसका ग्राफिक कार्ड NVIDIA का GeForce 940MX 4GB का है। 7th नंबर पर जो हमारी लिस्ट पर आता है वो है Apple MacBook का Air MMGF2HN/A। इसकी प्राइस रेंज 75,990 है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 5th जनरेशन। इसका स्क्रीन साइज बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा लगेगा दोस्तों एप्पल की कंपनी के हिसाब से, बट इसमें 13.3 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले है। रैम 8GB, रोम 256GB। इसमें इंटेल HD ग्राफिक्स 6000 का ग्राफिक्स कार्ड है। 6th नंबर पर जो हमारे लिस्ट में आता है वो है Asus VivoBook S14 S410 UAEB 720T। इसकी प्राइस रेंज अब थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों, ये है 81,990 पे। इसके अंदर प्रोसेसर स्कोर i7 8th जनरेशन का है, स्क्रीन साइज 14 इंच, रैम 8GB, रोम 1TB HDD प्लस 256GB SSD। इसके अंदर इंटेल इंटीग्रेटेड UHD 620 का ग्राफिक कार्ड है। आगे चलते हुए 5th नंबर पर हमारी लिस्ट पर आता है Asus का टफ FX505GEBQ025T। इसकी प्राइस रेंज 82,500 की है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 8th जनरेशन, स्क्रीन साइज 15.6 इंच, रैम 8GB, रोम 1TB HDD प्लस 256GB SSD। इसके अंदर NVIDIA का GeForce GTX 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है। 4th नंबर पर जो हमारी लिस्ट पर आता है वो है Asus का ZenBook 13 UX333FA-A411 5T। इसकी प्राइस रेंज 82,990 है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i7 8th जनरेशन, स्क्रीन साइज दोबारा से दोस्तों थोड़ा सा छोटा दिया गया है, 13.3 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले है, रैम 8GB, रोम 512GB। इसके अंदर इंटेल इंटीग्रेटेड UHD 620 का ग्राफिक कार्ड है। 3rd नंबर पर जो हमारी लिस्ट पर आता है दोबारा से डेल का Inspiron 15 5567। इसकी प्राइस रेंज 84,000 की है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर कोर i5 7th जनरेशन, स्क्रीन साइज 15.6 इंचेस, रैम
8 GB रोम, 2 TB। इसके अंदर AMD रेडियन जो कि हमारी सीरीज में पहला है, AMD रेडियन का R7M445 का ग्राफिक कार्ड है। सेकेंड नंबर पे आते हुए हमारे पास है Asus ROG Strix GL503GEEN169T। इसकी प्राइस रेंज 87,500 की है। इसकी स्पेसिफिकेशंस है प्रोसेसर कोर i5 8th जनरेशन, स्क्रीन साइज 15.6 इंचेस, रैम 8 GB, रोम 1 TB HDD प्लस 128 GB SSD। इसमें निविडिया GeForce GTX 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड है। टॉप नंबर वन पे आते हुए दोस्तों हमारे पास दोबारा से डेल का इंस्पायरन है, डेल इंस्पायरन 15 5567। इसकी प्राइस रेंज 95,490 है। इसकी स्पेसिफिकेशंस है कोर i7 7th जनरेशन का प्रोसेसर, स्क्रीन साइज 15.6 इंचेस, रैम 16 GB, रोम 2 TB। ग्राफिक कार्ड इसमें AMD रेडियन का R7 M445 का है।